इसे कर्नलजी जी देख रहे हैं कि ग्वार में अचानक से तेजी उठी है, ग्वार के अंदर अचानक से तेजी आई है, चाहे ग्वार सीड हो चाहे ग्वार गम हो, आपको क्या लगता है क्या ये अच्छा संकेत है ग्वार के किसानों के लिए कि अब यहाँ से तेजी शुरू हो गई है या फिर यहाँ पर अभी संभल कर चलने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है अखिलेश जी आपका ग्वार कॉम्प्लेक्स के ऊपर। देखिए जब तक आप फंडामेंटल नहीं पकड़ेंगे और तो टेक्निकल्स नहीं पकड़ में आएंगे। ग्वार के अंदर दो दिन पहले लगातार बहुत उठाउठ प्रोडक्ट चल रहा था, अब लास्ट के एक घंटे एक डेढ़ घंटे दो घंटे के अंदर एकदम से ऊपर के सर्किट में लग गए थे। लोगों ने शिकायत की कि साहब ऐसे कैसे हो रहा है, 1700 1800 का एकदम से मूवमेंट आ जाना और वो कुछ ही लोगों के द्वारा आ जाना, ये एक क्या एक ये संकेत है। लेकिन देखिए ये व्यापार है, ये बाजार है, इसके अंदर तेजी के भी सर्किट लगेंगे और नीचे के भी सर्किट लगेंगे, लोअर सर्किट भी लगेंगे। आप देखिए यदि आप इडेबल ऑयल की एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है रुचि सोया, 3-4 रुपए का जो शेयर वो 1100 रुपए और 1600 रुपए तक पहुंच जाता है, जो कंपनी दिवालिया होती है उस कंपनी को कोई बाबा रामदेव खरीदते हैं वो भी लोन लेके, जिसके 98% 99% शेयर्स बाबा रामदेव के पास हैं रुचि सोया के, वो अप्लाई करके बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद में एक तरफा बाजार चलता है और वो शेयर जो 3-4-5 रुपए का शेयर होता है वो 1100 और 1600 रुपए तक पहुंच जाता है। जो कंपनी दिवालिया होती है 1200 करोड़ 1300 करोड़ की है और वही कंपनी आज 31,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है, उसके ऊपर कोई भी बोलने को तैयार ही नहीं है। और जब सर्किट लगते हैं कभी कमोडिटीज के ऊपर जो ज्यादातर डिमांड एंड सप्लाई के खेल होते हैं तो उसके ऊपर सब लोग बात करने लगते हैं। अब पॉइंट यह है यदि तेजी आती है तो फायदा किसको हो रहा है? निश्चित रूप से फायदा जिनके पास माल है उसको होगा, किसानों ने जिनके पास माल है उनको फायदा होगा, कारोबारियों को जिन्होंने माल रोक के रखा है उनको फायदा होगा। 5 से 8 साल तक का जब माल रुक रहा है उसका गोदाम का किराया, किसानों के ब्याज भाड़ा, व्यापारियों का ब्याज भाड़ा, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब आपके पास फसल 1/3 से ज्यादा नहीं है और उसके बाद आप नीचे की तरफ माल ले आते हैं तो उसका खामियाजा क्या है? दूसरा चीज कि जब आपने NCDX के अंदर माल बिकाया तो आपको डिलीवरी भी देनी पड़ेगी और NCDX के ऊपर एक स्टैंडर्ड क्वालिटीज की ही डिलीवरी एक्सेप्ट होगी, बाकी नहीं होगी। जब माल बाजार के अंदर कम है तो खरीदना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी और डिलीवरी आपके पास है नहीं तो फिर आप कहां से लाओगे? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी चीज एक और मैं अखिलेश जी आपको कहना चाहता हूं, ग्वार सीड एक बहुत छोटी कमोडिटीज है और बहुत सीमित दायरे में इसका काम होता है जी। ये सिर्फ राजस्थान यानी स्पेशली पश्चिमी राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें और गुजरात के कुछ हिस्सों की बात कर लें, ये 3 राज्यों में इसकी छोटी पैदावार है और सबसे ज्यादा पैदावार तो पश्चिमी राजस्थान में है और इसके जो कारोबारी भी है वो इन्हीं राज्यों के अंदर हैं ज्यादातर। मेटेरियल भी यानी ग्वार सीड की अवेलेबिलिटी भी इन्हीं राज्यों में है, इसके अलावा है नहीं। तो और भारत इसका प्रमुख निर्यातक देश है। तो ये जो अमूनन जो छोटी कमोडिटीज होती हैं उसके अंदर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, उसमें ऐसा कोई चमत्कार भी नहीं है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन ग्वार सीड के अंदर जो व्यापारी है, जो कारोबारी है, जो किसान बंधु हैं जिन्होंने अच्छे दाम के लिए माल रोका हुआ है, मुझे लगता है कि वो निराश नहीं होंगे। यही मेरा कहना है, बाजार उतार और चढ़ाव होते रहेंगे, वो उसकी फितरत है, वो उसकी खासियत है, वो होगा रात और दिन और दिन और रात, मंदी और तेजी, तेजी और मंदी। लेकिन ये निश्चित है कि जो भी ग्वार सीड कमजोर हाथों में था, जिनको जरूरत थी पैसे की, जो वो बाजार में ला चुके हैं, अब धीरे 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 ग्वार सीड का स्टॉक सिर्फ उन लोगों के पास बचेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटे या मझोले या बड़े कारोबारी हो, जो माल को होल्ड करने की शक्ति रखते हैं
वो उन्हीं के पास माल बचेगा और वो किसी कीमत के ऊपर छोटी प्रॉफिट के अंदर माल नहीं देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और काफी लोग गवार सीट के जो विक्रेता हैं, गवार सीट के जो व्यापारी हैं, गवार सीट के जो किसान हैं, उनसे भी मेरी बात अक्सर होती रहती है, तो उनका भी यही कहना है कि हमें अच्छे मुनाफे की तलाश है और वो मुनाफा हमें लेना है, और अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ये उनका एक मोटे तौर पे उनका जवाब है। तो यही मेरा कहना है कि आज गवार सीड और गवार गम के अंदर तेजी की पूरी पूरी संभावना बन सकती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। जी अखिलेश जी, जी जी, यानी कि गवार सीड में भी तेजी की संभावना बन सकती है। कर्नल जी ने काफी अच्छा विश्लेषण किया है इसका, कंपनीज के बारे में भी बताया है, पूरी एक तरह से एक स्टोरी के रूप में आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ग्वार गम ग्वार सीड के बारे में, कि तेजी क्यों हैंडल हो पाती है इसकी, क्योंकि काफ़ी छोटी कम्युनिटी है। छोटी कम्युनिटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही सीमित दायरे में इसका इस्तेमाल होता है, काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं है जहाँ पे हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता हो, बहुत ही सीमित दायरे में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ही सीमित जगहों पर इसका उत्पादन होता है, और भारत प्रमुख निर्यातक है इसका ग्वार का। तो जो इसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जो सट्टेबाजी की जो होती हैं इसमें एक्टिविटीज़, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा और बड़े पैमाने पर देखने को इसलिए मिल पाती है। लेकिन कर्नल अजय जी के मुताबिक ग्वार सीड में आगे तेजी की संभावना बनती नज़र ज़रूर आ सकती है।